नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान जब भी देते हैं छप्पर फाड़ कर देते हैं। दोस्तों, यह बात तो आपने सुना ही होगा, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब यह घटना आप सभी के जीवनकाल में साक्षात होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आज शाम के 4:20 के बाद से आप सभी के जीवनकाल में स्वयं महाबली हनुमान जी छप्पर फाड़ कर खुशियाँ देने वाली है। छप्पर फाड़ कर आप सभी के जीवनकाल में सफलताएँ देने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों आपने अपने जीवनकाल में जितना भी मेहनत किया है, जितना भी संकट मोचन हनुमान जी पर भरोसा किया है, दोस्तों अब उनका फल मिलने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, आज शाम से आप सभी के ग्रहों की स्थिति बदलने वाली है। आप सभी के जीवनकाल में आपके मेहनत का फल मिलने वाले हैं। दोस्तों समय बहुत ही अच्छा है। दोस्तों अब आप सभी के जीवनकाल में वो बड़े चमत्कार होने वाले हैं जिन्हें देखकर दोस्तों आपको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होगा। लेकिन दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में जो बड़े चमत्कार आप सभी के जीवनकाल में होने वाले हैं, दोस्तों आप स्वयं कहेंगे कि धन्य हो महाबली हनुमान जी, आपने हमारी लाज रख ली। जी हाँ दोस्तों, अब आप सभी के जीवनकाल की जो भी परेशानी है, जो भी मजबूरियाँ हैं, दोस्तों वे सभी समाप्त होने वाले हैं। स्वयं साक्षात महाबली हनुमान जी अब आप सभी के जीवनकाल में आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज शाम से आप सभी के ग्रहों की स्थिति और आप सभी के जीवनकाल की स्थिति बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के जीवनकाल में अब खुशियाँ ही खुशियाँ रहने वाली है। जो भी दुख तकलीफ, जो भी संघर्ष समस्याएं हैं, दोस्तों वे सभी समाप्त होने वाली हैं। क्योंकि दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि अब आप सभी के जीवनकाल में संकट मोचन हनुमान जी सबसे ज़्यादा प्रसन्न हुए हैं। दोस्तों आपके कर्मों को देखकर दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब स्वयं महाबली हनुमान जी आपके घर आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में अब बहुत ही बड़ा चमत्कार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हम आप सभी की जानकारी के लिए बता दें कि आज शाम के 4:20 के बाद से मंगल ग्रह आप सभी के कुंडली में बहुत ही बड़ा धूम मचाने वाला है। यानी कि दोस्तों ग्रहों की बदलती चाल में अब शुभ परिवर्तन हो चुका है, शुभ योग का निर्माण हो चुका है, जिनके कारण दोस्तों साक्षात महाबली हनुमान जी का अशुभ आशीर्वाद आप सभी के ऊपर पड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, और आज शाम के 4:20 के बाद से दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में अचानक से वो बड़ा चमत्कार होगा जो कि दोस्तों आप सभी के होश उड़ा देंगे। जी हाँ दोस्तों, यश में जो बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, दोस्तों आप अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों वास्तव में ये घटना जब सच हो जाएगी तो दोस्तों खुशी के आंसू आप रोक भी नहीं पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, और यश में आपके जीवनकाल में इतनी बड़ी सफलता, इतनी बड़ी कामयाबी मिलने वाली है कि दोस्तों दुश्मनों के पैरों तले जमीन खिसकने वाली है। परंतु दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आपको 6 बड़े बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होंगे, वरना दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही बड़ा सुख दुख में भी परिवर्तित हो सकता है। इसलिए दोस्तों महाबली हनुमान जी जब आप सभी के जीवनकाल में इतने बड़े शुभ अवसर लेकर आने वाले हैं, तो दोस्तों इन 6 बातों को आप भूल कर भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा कि दोस्तों ये बातें आप सभी के जीवनकाल में आपको एक नया दिशा प्रदान करेंगी, सही गलत का आपको रास्ता दिखाएगी। और दोस्तों जीवनकाल में हर वो शुभ परिस्थिति बनेगी जिनसे दोस्तों आप हमेशा कामयाबी होंगे और कभी भी आपको समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप भूल कर भी मिस ना करें और शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। सर्वप्रथम दोस्तों जो भी महाबली हनुमान जी के सच्चे पीर भक्त हैं, दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा और दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से संकट मोचन हनुमान जय सिया राम जरूर लिखिएगा। दोस्तों महाबली हनुमान जी का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होगा, दुख कष्ट जितने भी पीड़ा है सब आपके मिट जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेलेक्ट कर दें ताकि दोस्तों और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, शुरुआत करते हैं आज के एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान से जो कि दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में ऊर्जा की वो किरण को जागृत करने वाली है जिनसे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में हमेशा शुभ रास्ते ही आपको दिखेंगे, कभी भी आप गलत रास्तों पर चलने की कोशिश बिल्कुल ही नहीं करेंगे। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि इस दुनिया में बहुत हो चुकी है दूसरों की सेवा। दोस्तों समाज व्यक्ति का शत्रु है, समाज तुम्हें भेड़ों की शांति चाहता है, व्यक्तियों की शांति नहीं, क्योंकि व्यक्ति के साथ ही बगावत का स्वर शुरू हो जाता है। दोस्तों तुम्हें अगर पता चल जाए कि आज सांझ ही मर जाना है
तो क्या तुम सोचते हो तुम्हारे दिन का व्यवहार वही रहेगा जो इसे पता चलने पर रहता? क्या तुम उसी भांति दुकान जाओगे, उसी भांति ग्राहकों को शोषण करोगे? क्या उसी भांति व्यवहार करोगे जैसा कल किया था? क्या पेशे पर तुम्हारी पकड़ वैसे ही रहेगी जैसे एक क्षण पहले तक थी? क्या मन में वासना उठेगी, काम जागेगा, सुंदर स्त्रियां आकर्षित करेंगी, राशि गुजरती कार मोहित करेगी? नहीं, सब बदल जाएगा अगर मौत का पता चल जाए कि आज ही सांझ जो जाने वाली है। तुम्हारी जीवन का सारा अर्थ, तुम्हारे जीवन का सारा प्रयोजन, तुम्हारे जीवन का सारा ढंग और शैली बदल जाएगी। मौत का जरा सा भी स्मरण तुम्हें वही न रहने देगा जहाँ तुम हो, सब कुछ बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों अगर आज का यह ज्ञान अगर आपको समझ में आई हो, इन पर सच्चाई लगी हो, तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर ही कीजिएगा और दोस्तों इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री कृष्णा राधे राधे। तो आए दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि आज शाम के 4:20 के बाद से मंगल ग्रह जो अपनी स्थिति बदलने वाले हैं दोस्तों, इनके अनुसार आप सभी के जून काल में आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है, साथ ही दोस्तों कौन कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं। महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से अब आप सभी के जून काल में कौन कौन से बड़े सुधार, कौन कौन से बड़े चमत्कार होने वाले हैं। तो आए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों आप सभी को बता दें कि महाबली हनुमान जी को कौन नहीं जानता, सभी देवी देवताओं में महाबली हनुमान जी संकट के दाता कहे जाते हैं। यह अपने भक्त के जीवन काल में कभी संकट को देख नहीं पाते, बशर्ते भक्त का यह श्रेय होना चाहिए कि वो अपना महाबली हनुमान जी के प्रति सच्चा श्रद्धा, उनके भक्ति पर विश्वास और निरंतर उनके भक्ति में लीन रहे। जी हाँ दोस्तों, जो भी भक्त अपने मन में श्रद्धा जगाकर महाबली हनुमान जी के ऊपर अपने कार्यों को सौंप देते हैं, कभी भी गलत रास्तों पर चलने का मोह नहीं करते, दोस्तों उन सभी के जीवनकाल में चाहे या फिर ना चाहे महाबली हनुमान जी का छाया रहता है। जी हाँ दोस्तों, और दोस्तों आप ऐसे भी कई व्यक्तियों को देखे होंगे कि जिनका कारोबार सब कुछ डूब गया हो और दोस्तों उनको ईश्वर के प्रति बहुत ही ज्यादा श्रद्धा हो, और दोस्तों उनके जीवनकाल में कुछ ही समय के बाद वे सभी चीजें आई होंगी, क्योंकि दोस्तों वो महाबली हनुमान जी के ऊपर, अपने ईश्वर के, अपने इष्ट देव के ऊपर सच्चे श्रद्धा के साथ जुड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी प्रकार आज शाम के 4:20 के बाद से भी आप सभी के जीवनकाल में महाबली हनुमान जी का छाया कहीं ना कहीं आने वाले हैं। दोस्तों कहीं ना कहीं महाबली हनुमान जी का आपको ऐसा दिव्य स्पर्श महसूस होगा जिनसे दोस्तों आप सभी का जीवन बदलने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ग्रहों के देवता मंगल ग्रह आप सभी के जीवन काल में अब बहुत ही अच्छा परिवर्तन करने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों आपके लाभ भाव में अब यह ग्रह आने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि अब आपके जीवन काल में महाबली हनुमान जी के आशीर्वाद से बहुत ही शुभ परिवर्तन होने वाले हैं, परंतु दोस्तों आपको 6 बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आगे इस वीडियो में हम सभी बातें आपको बताने वाले हैं, साथ ही कौन कौन सी बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है, आपके घर के माहौल में, पारिजन में, आपके प्रत्येक क्षेत्र में कौन कौन से बड़े सुधार, कौन कौन से बड़े चमत्कार देखने को मिलेंगे, तो दोस्तों अंत तक बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं पूरे विस्तार से। दोस्तों यश में ग्रह स्थितियां अनुकूल है, आप अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से प्रारूप देने में सक्षम रहेंगे, किसी नजदीकी व्यक्ति से मुलाकात होगी और महत्वपूर्ण मुद्दे पर भी यशमय विचार विमर्श होने वाले हैं। दोस्तों धार्मिक संस्था में भी सेवा संबंधी कार्यों में उचित आपका समय व्यतीत होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशमय अगर आपकी सावधानी को लेकर बात करें तो यशमय किसी भी सरकारी कार्य को लापरवाही की वजह से अधूरा ना छोड़े, क्योंकि दोस्तों किसी तरह की जो है पेनल्टी लग सकती है। पैतृक संबंधी मामले अभी और अधिक उलझने की आशंका लग रही है। इसके बाद दोस्तों यश में बताते हैं कि आपके लिए जो समय होंगे दोस्तों, घर या फिर कोई बड़ी वस्तु खरीदने के लिए ये जो समय आपके लिए खर्चा हो सकता है। यदि आप पर खर्चों का भार बढ़ रहा है तो दोस्तों घर के किसी व्यक्ति द्वारा आपको मदद भी यश में मिलेगा। दोस्तों अपनी भावनाओं को योग्य तरीके से प्रकट करने की वजह से यश में आपको प्रिय व्यक्ति के साथ आपके संबंध भी बहुत मजबूत रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपको बता दें कि यह समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों, यह समय भाग्य और परिस्थितियां आपके लिए बेहतरीन समय का निर्माण भी कर रहे हैं। दोस्तों सामाजिक तथा व्यवसाय के दोनों जगह पर आपका यश में दबदबा और वर्चस्व बना रहेगा। दोस्तों आपको बता दें कि किसी भी परिस्थिति में आप अपना जो है काम निकलवाने में यश में सक्षम रहेंगे।
इसको प्रांति दोस्तों प्रॉपर्टी संबंधी खरीद प्रोक्त के कार्यों में भी बहुत अधिक सावधानी रखने की जरूरत होगी, क्योंकि दोस्तों अभी इन कार्यों के लिए जो समय है, जो परिस्थिति है, अनुकूल नहीं है। दोस्तों अनावश्यक खर्चे भी आपके सामने इसमें आ सकते हैं। अगर विदेश संबंधी कोई योजना बन रही है तो दोस्तों इन्हें अभी स्थगित रखना आपके लिए उचित होंगे। इसके उपरांत दोस्तों आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि आपके कठिन समय में आपके मित्र और परिवार दोनों से सहायता मिलने वाली है। दोस्तों आपके लिए मानसिक स्वास्थ्य को ठीक करना अधिक आवश्यक होंगे। जिन बातों में आपको यश नहीं मिल पा रहा है दोस्तों, उन बातों के बारे में किसी के साथ जो है अधिक चर्चा ना करें, क्योंकि दोस्तों लोगों के साथ चर्चा करके केवल आपके नकारात्मकता ही बढ़ेगी और आपको लोग सिर्फ चिढ़ाएंगे, लोग आपके यश में साथ नहीं देंगे। तो दोस्तों यश में उनसे इन बातों का शेयर करने से बचें। इच्छुक दोस्तों आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि दिन कुछ मिला जुला प्रभाव भी आपके लिए ला रहा है। किसी संपर्क द्वारा महत्वपूर्ण समाचार भी आपको प्राप्त हो सकता है, जो कि आपके भविष्य के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगे। दोस्तों यश में आपकी आर्थिक स्थिति भी काफ़ी हद तक बेहतर रहने वाली है। शादी दोस्तों दोपहर बाद जो परिस्थितियाँ होंगी आपके लिए कुछ प्रतिकूल वातावरण भी बना सकती है, जिन कारण से कोई मुसीबत जो है आपके सामने खड़ी हो सकती है। और दोस्तों आपको बता दें कि काम के दबाव के चलते आप खुद को फंसा हुआ भी यश में महसूस करेंगे। विद्यार्थी वर्ग को अपनी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए जो है अधिक यश में मेहनत करने की भी जरूरत होगी। तो दोस्तों आप जरूर यश में अपने ध्यान को पढ़ाई के प्रति फोकस करें, ये आपके भविष्य के लिए बेहतर होंगे और भविष्य में आपके उज्ज्वल सपनों को आप साकार कर सकते हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दिन की शुरुआत आपके लिए थोड़ा सा चिंता और तनाव का प्रभाव बनाएगा, क्योंकि दोस्तों आपको लग रहा है कि हम भविष्य में कौन से कार्य को करेंगे। लेकिन दोस्तों आपको यश में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है और अपने कार्यों के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित रखें, आपको भविष्य में अच्छा सफलता भी यश में प्राप्त होने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि अचानक ही किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति से मुलाकात भी आपकी होगी तथा उनके मार्गदर्शन से कई मुश्किलों का भी निवारण होगा। दोस्तों रुचिपूर्ण तथा ज्ञानवर्धक साहित्य को पढ़ने में भी समय आपका व्यतीत होगा। पुराने मित्रों के साथ भी मेलजोल खुशनुमा यादों को ताज़ा करने वाले हैं। इसके उपरांत दोस्तों यश में किसी निकट संबंधी के साथ जो उसका स्वास्थ्य है, उनके स्वास्थ्य को लेकर उदास आपका मन थोड़ा सा रह सकता है। दिखावे के चक्कर में दोस्तों कर्ज लेने से बचें, क्योंकि दोस्तों अगर आप उनको दिखावे के चक्कर में कोई रुपया पैसा देते हैं तो दोस्तों आपको अपनी बजट का भी इसमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगर आपके ऊपर कर्ज का बोझ बढ़ेगा तो भविष्य को लेकर आपकी जो स्थितियां हैं गड़बड़ होंगी और आपकी आर्थिक स्थिति और भी तंगी की ओर जाएंगी। तो दोस्तों इनसे बचें और दिखावे की प्रवृत्ति से इसमें दूर रहें। इसके बाद दोस्तों आपको बता दें कि बच्चों की पढ़ाई के प्रति लापरवाही रहेंगी और इसलिए दोस्तों उन पर ध्यान देना आपका आवश्यक होगा, तो उन पर भी यश में ध्यान जरूर दें। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके लिए समय होंगे, आपको बता दें कि दोस्तों किसी मित्र द्वारा आपको मार्गदर्शन यश में मिल सकता है, जिसकी वजह से आपसे जुड़ी बातों को देखने का नया नजरिया भी आपको प्राप्त होगा। अध्यात्म में आप जो है आपकी खास यश में रुचि रहने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपको बता दें आपके करियर के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आयात निर्यात संबंधी कार्यों में किसी तरह का नुकसान होने की भी आशंका बन रही है। यश में उचित सावधानी बरतना आपके लिए आवश्यक होंगे। इसे दोस्तों अपने किसी भी कार्य में जो है घर के अनुभवी या फिर वरिष्ठ व्यक्तियों की सलाह अवश्य लें, उनकी सलाह आपके लिए यशमय फायदेमंद साबित होने वाली है। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपकी लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, पति पत्नी के संबंधों में मधुरता तो बनी रहेगी, परंतु किसी मित्र की वजह से घर में कुछ नकारात्मक वातावरण भी बन सकता है, तो दोस्तों इन बात का भी आप ध्यान में रखें। इसके उपरांत दोस्तों यश ये जो समय होंगे आपके लिए, आपके लव लाइफ के लिए, आपको बता दें कि घर में उचित समय ना दे पाना, इनकी वजह से जीवनसाथी की नाराजगी भी आपको सहन करनी पड़ सकती है। संबंधों को ठीक करने के लिए उन्हें कुछ जो है उपहार दें तथा मनोरंजन संबंधी प्रोग्राम भी आप अवश्य बनाएं। इसके उपरांत दोस्तों यश में बता दें आपके स्वास्थ्य के लिए जो होंगे, यश में ब्लड प्रेशर तथा डायबिटीज संबंधी जो भी लोग हैं वो अपनी जाँच जरूर करवाएँ। योगा और व्यायाम में भी अपने दिनचर्या को शामिल करें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यश में आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, आपको बता दें कि शाम तक स्वास्थ्य उत्तम होगा, परंतु अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आपके लिए आवश्यक होंगे। तो दोस्तों